कोशिका सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायश्चितया जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थ का वह छोटा सा छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ एक छोटा कमरा। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं और उन्हें एक कोशीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशीय कहते हैं। चलिए आगे हम लोग और समझेंगे। यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोश देखे और उन्हें कोशा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोशाविद्यों के आधार पर कोशा शब्द प्रयोग किया। 1674 में एंटोनी वॉन लुएक हॉक ने जीवित कोशा का सततम अध्ययन किया। उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की कुर्छनी में देखा था। आगे और तो समझते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। तद्रोचित नामक वैज्ञानिक ने 1824 में कोशिका सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान को दिया जाता है जिन्होंने ठीक प्रकार से कोशिका सिद्धांत 1839 में प्रस्तुत किया और बतलाया कि कोशिका पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है आगे समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राय स्वतंत्र होती हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकी प्राणियों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, इनमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को केंद्रकाव कहते हैं जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाए जाते हैं। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है। कोश का संरचना में हम देखेंगे, कोश का सजीव होती है तथा वे सभी कार्य करती है, इन्हें सजीव प्राणी कहते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार अंडाकार स्तंभाकार रोमयुक्त कसावी युक्त बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इसका आवरण कोश का आवरण सेल मेम्ब्रेन या कोश का झिल्ली कहते हैं। झिल्ली अवकलीय पारगम सेलेटिवली परम्बियल होती है जिसका अर्थ है कि झिल्ली किसी पदार्थ अणु या ऑयन को मुक्त रूप से पार होने देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। इसे कभी कभी जीव द्रव कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है जिसके भीतर संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका के भाग देख लेते हैं, समझ में आते क्या क्या होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक एवं केंद्रिका जीव द्रव होता है, गोल्जी समृष्टि या गोल्जी तंत्र या गोल्जी बॉडी कुछ भी बोलते हैं इसको, कड़ाव सूत्र अंतःप्रद्रव्य जालिका गुणसूत्र या पितृसूत्र एवं जीन। अलग शब्द पर मतलब एक ही है इनका। ठीक है कभी पितृसूत्र आ गया गुणसूत्र नहीं आया तो या जीन आ गया तो आप कन्फ्यूज ना होना। राइबोसोम तथा साइटोसोम और लवक। तो अब आपको समझ में आया कि 8 भागों में हम कोशिका को समझ लेंगे तो कोशिका हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कुछ।